क्या जया बच्चन का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या पिछले 2 साल से जो राज्यसभा की सदस्यता थी, क्या उनकी वो राजनीतिक पारी खत्म हो चुकी है? क्या अखिलेश यादव के साथ जया बच्चन का राजनीतिक पारी का अंत हो चुका है? सूत्रों के मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो क्या है जया बच्चन के जीवन में इस राजनीतिक उथल पुथल का सच, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। लोकसभा चुनाव करीब करीब संपन्न हो चुका है, केवल 7वें चरण का चुनाव बचा हुआ है और अभी तक आपको बता दें कि एक बार भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए जया बच्चन नजर नहीं आई हैं, ना ही उत्तर प्रदेश में और ना ही देश के किसी भी हिस्से में। आपको बता दें कि लगभग लोकसभा चुनाव खत्म होने को है और जया बच्चन इस चुनाव से पूरी तरह गायब दिखी हैं। गौरतलब है कि जया बच्चन कितनी मुखर राजनीति करती हैं और कितने खुले तौर पर राज्यसभा में और सदन में अपनी बात रखती भी हैं, और आए दिन सपा सांसद जया बच्चन भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर निशाना साधती हुई भी नजर आई हैं और एंटी मोदी स्टैंड उनका आक्रामक होता है। मोदी विरोधी खेमे की वो बहुत ही आक्रामक योद्धा मानी जाती हैं। आपको बता दें कि साल 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के जरिए राजनीति की दुनिया में कदम रखा। एक्ट्रेस तब से अब तक कई बार राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। उन्होंने मार्च साल 2006 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, फिर उन्होंने जून साल 2006 से दूसरा कार्यकाल मिला, उसके बाद वो साल 2012 में तीसरे कार्यकाल के लिए और फिर साल 2018 में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में अपने चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई। लेकिन इस पूरे चुनाव में इस आक्रामक योद्धा की भूमिका कहीं दिखाई नहीं दी। तो राजनीतिक गलियारों से खबर ये मिल रही है कि अखिलेश ने पार्टी में विरोध के बावजूद लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले हुए राज्यसभा चुनाव में लगातार 5वीं बार उच्च सदन उन्हें भेजा था। सूत्रों के मुताबिक सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी सदस्यता अब आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जया बच्चन सिर्फ सदन में बोलती हैं, इसके अलावा उनको और कुछ भी पार्टी के लिए काम करते नहीं देखा गया है। ना ही वो प्रचार करती हैं, ना ही वो किसी भी डिबेट में शामिल होती हैं। अपना दल कमेरावादी की नेता वो सपा विधायक पल्लवी पटेल की मुखर बयानबाजी के बाद अखिलेश ने तो उनकी पार्टी से ही किनारा कर लिया था। पार्टी में इतने विरोध के बावजूद जया बच्चन को अखिलेश ने राज्यसभा भेजा, उन्हें एक दिन भी पार्टी का प्रचार करते नहीं देखा गया। सूत्रों के मुताबिक जया बच्चन कांग्रेस से समझौता को लेकर खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रचार से अपने को दूर रखा। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी दावा है कि बच्चन परिवार सत्ताधारी भाजपा से नाराजगी नहीं मोल लेना चाहता है, इस कारण जया चुनाव प्रचार से अलग है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपको क्या लगता है क्यों जया बच्चन ने अपनी पार्टी से दूरी बनाई है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर जरूर करें।